एक बार की एक कथा है, एक डाकू था, ये भी एक सत्य घटना है। एक डाकू था, बोलते वो बड़ा ही निर्दयी था। वो कहीं पहले होता था ना, वन के रास्ते से लोग निकलते थे, पहले तो पैदल ही निकलते थे, तो बीच में जो वन आया तो लोग वन के रास्ते से निकल जाते थे। तो बोलता था वो डाकू वन में ही पेड़ के ऊपर बैठा रहता था, और जैसे ही कोई देखता था कि जैसे ये कोई पोटली लेके जा रहा है या कुछ भी लेके जा रहा है, तो बोलते बस कुछ सोचता समझ नहीं था, वो सीधा नीचे उतरता, उस व्यक्ति का हत्या कर देता और उसका धन ले लेता। कभी उसने ऐसे नहीं किया कि भाई इसको छोड़ दूँ, मैं केवल अपना धन ले लूँ, कुछ दे रहा है कुछ नहीं, बस जो मिला उसकी हत्या करी, धन ले लिया। इतना क्रूर डाकू था वो। एक बार बोलते उसको एक साधु के दर्शन हो गए, साधु के दर्शनों से ही कृपा हो जाती है। तो साधु बोलते वहाँ वृक्ष के नीचे बैठे थे, जिस वृक्ष के ऊपर वो छुपा रहता था। साधु आए, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, अपनी साधना करने लगे। साधु के मुख से उसने हरि नाम सुना, बड़ी शांति मिली हृदय को। उसने बोला ये कौन आए हैं कि इनके मुख से अगर सुन रहा हूँ तो इतनी शांति मिल रही है। साधु के नतमस्तक हुए, साधु ने पूछा आप कौन हो, बोले ऐसे ऐसे मैं तो डाकू हूँ। सब सत्य बता दिया, क्योंकि भय थोड़ी था साधु से, उस साधु को सब सत्य बता दिया कि ऐसे ऐसे ये है। तो साधु ने बोला ये तो आप बहुत गलत कार्य कर रहे हो, बड़ी भीषण यातनाएं मिलेंगी। बड़ा उसको समझाया कि ये ऐसे ऐसे आपको नर्क की यातनाएं मिलेंगी। तो बोला महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, डर गया, भयभीत हो गया। और साधु का भी प्रकोप, साधु का भी एक अपना ऑरा होता है, तो उनकी साधुता के आगे तो विवश हो गया। बोला कि मैं तो बहुत ख़राब मेरे कर्म है, मैं क्या करूँगा, और अब तो पता नहीं न जाने मैंने कितने कितने लोगों का वध कर दिया। तो बोलते साधु ने अपने झोले में से एक लकड़ी निकाल के दी, उन्होंने बोला ये आप अपने पास रखो। एक पेड़ की टूटी हुई शाखा सी थी, छोटी सी ऐसे लकड़ी, तो वो उन्होंने उनको निकाल के दी और उन्होंने बोला कि आप जाओ और हिंदुस्तान में जितने भी धाम हैं उन सारे धामों की यात्रा करो, हरिद्वार की, नासिक की, वृंदावन की, इधर प्रयाग की, सारे जगह जाओ 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 और सब जगह जाके सारे धामों की यात्रा करो। जब धाम घूमते 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 यही लकड़ी हरी भरी हो जाए, इसमें से पत्ते निकलने लगे, तो आप समझ लेना कि आपके पिछले वो कर्म नष्ट हो गए। फिर तब आप पिछले कर्मों से मुक्त हो जाओगे और फिर आगे साधना शुरू करना, तब आप मेरे पास आना, मैं यहाँ यहाँ आपको मिलूँगा, ये मेरी यहाँ कुटिया है। उसने बोला ठीक है महाराज ऐसे ही करूँगा। अब उसने पक्का मन बना लिया कि भाई मेरे को तो इतने करोड़ों जन्म नर्क जाना पड़ेगा, सब साधु ने समझा दिया था। बोले उससे बचने का तो ये उपाय तो बुरा नहीं है कि भाई जाते जाते हम और इधर उधर घूमते रहेंगे, जगह जगह धाम में जाएंगे और जब हरी भरी हो जाएगी आ जाएंगे। वो बोलते वो निकल गया, थोड़ा सा दूर ही अभी गया था, थोड़ी दूर बोलते एक वृक्ष के नीचे बैठा। जहाँ वृक्ष के नीचे बैठा बोलते वहाँ पे ऊपर उसी की तरह चार डाकू थे, जैसे वो डाकू था। बोलते अब वो वृक्ष के नीचे बैठा तो चार डाकू ऊपर वहाँ पे छुपे हुए थे और वो चारों आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई आज रात को इस गाँव में, जो ये साथ में गाँव लगता है, इसमें आग लगा देंगे, सारे गाँव में आग लगा देंगे। पूरी योजना बना रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से इस कोने से लगाऊंगा, आप उससे लगाना, आप इससे लगाना, उससे लगाना, सारे घरों को आग लगा देंगे, सब बर्बाद कर देंगे इस पूरे गांव को, और जो धन वगैरह होगा वो फटाफट से अपना लूट लपेट के यहाँ से भागेंगे। अब जो नीचे डाकू था उसने सोचा कि यार जहाँ इतने वध किए हैं, जहाँ इतनी हत्या करी है, अब मेरे को तो साधु ने बोला कि भाई निकलो और सारे धाम घूम के आओ, जहाँ ये लकड़ी हरी भरी हो जाए, तो जब मैं जा ही रहा हूँ धाम को तो इन चारों का भी काम करते हुए जाता हूँ। ये बड़े डाकू बन रहे हैं कि वहाँ पे ये जलाएंगे, वो जलाएंगे, ये सब करेंगे। अब क्योंकि उसके भीतर भी साधुता आ गई थी ना, मगर एक अपने स्टाइल से आई थी क्योंकि था तो डाकू, तो उसने कल्याण करने की अब कैसे सोची कि भाई इस गांव को बचाना है, इनका मार देता हूँ। बोलते उसने आवाज़ लगाई, ओए कौन है, जरा इधर नीचे तो आना, हम भी तो देखें जरा कौन है जो गाँव को आग लगा रहा है। भैया तुम्हारे पिताजी आए आज नीचे, इस प्रकार से बोलते उसने बोला और एक एक करके चारों का वध कर दिया, क्योंकि वो तो था ही पक्का डाकू, वो तो रोज का उसका काम था ऐसे वध करना। उसने बोलते चारों की हत्या करके वहीं पे लमलेट कर दिया। अच्छा अब लकड़ी निकाल के चलने लगा तो देखा लकड़ी हरी भरी हो गई, वो लकड़ी अभी हरी भरी हो गई, वो भागता हुआ उन साधु के पास गया। साधु ने बोला हाँ बताओ। बोले महाराज ये देखो हरी भरी हो गई। बोले कौन से धाम गए थे जो एकदम से हरी भरी हो गई। बोले महाराज कहीं नहीं गया था,
अभी तो बस एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आगे गया था, बैठा ही था, ऐसे ऐसे वो चार डाकू थे, वो ये प्लान कर रहे थे कि ये पूरे गांव को आग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को लगी कि भाई ये इतना नाश कर देंगे, सब कर देंगे, आपकी आपकी कृपा से मैंने सब सुना था कि ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। मैंने कहा इतनी हत्या पहले ही करी, कोई नहीं इन चारों की भी कर दो, मैंने उन चारों की भी हत्या कर दी। और साधु ने उनको समझाया कि देखो हत्या तो तुम पहले भी करते थे, हत्या तुमने आज भी करी, लेकिन पहले तुम स्वार्थ से हत्या करते थे, तुम अपने हित के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी काम की पूर्ति के लिए हत्या करते थे, पर आज आपने सेवा रूप में हत्या करी। आज आपने जो किया, न जाने कितनी गौवा जल जाती, न जाने कितने बच्चे, न जाने कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां जल जाती, कितने घर बर्बाद हो जाते, क्योंकि पूरे गाँव को आग लगानी थी उन्होंने, आपने पूरे गाँव की जान बचा ली। तो आज आपने जो कार्य किया है वो लोगों के हित के लिए किया, आज अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, इसलिए ये हड़ी भरी हो गई। जाओ वहाँ नदी का स्नान करके आओ, आपको दीक्षा दूंगा। बोलते उस डाकू को दीक्षा दी और बहुत बड़े संत बने वो आगे जाके। तो आपने ये नहीं सोचना कि हम जाके कोई बोल रहा हो तो उस डाकू हम भी मार दें, किसी की हत्या कर देंगे, नहीं, वो उस डाकू की बात थी, क्योंकि उसका यही कार्य था, उसकी मति ऐसी थी, उसकी बुद्धि ऐसी थी। कहने का तात्पर्य कि इंटेंशंस मैटर करती हैं। What are your intention that matters? Actions does not matter. आपका उद्देश्य क्या है वो मैटर करता है, क्रिया आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करती। तो इसीलिए उद्देश्य इंटेंशंस बड़ी क्लियर रहे। भागवत धर्म का पालन करते हुए ही हम सारे कार्य करें। भागवत धर्म को पालन करने के लिए अपनी मानसिकता वैसे ही तैयार करें जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हर अवस्था में, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति में भगवत उपस्थिति देखने का प्रयास करें।